सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उनके पाठों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं आपको जो कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान है जो कि NIOS के अंतर्गत और साथ में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के अंतर्गत चलती है जो बुक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम रहता है, उनके अब पाठों को मैं पढ़ाऊंगी। उस पाठ को मैं नोट्स के रूप में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। उस नोट्स के अंतर्गत उस पाठ का पूरा सारांश दिया गया है, जिसको भी आप अगर पढ़ जाओगे तो आराम से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप इसको पढ़ के एक जो बुक है, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी होती है क्योंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा मैटर उसमें दिया हुआ होता है, तो उसमें से जो मोस्ट चीज़ें हैं वो इस सारांश के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो पाठ पूरा क्लियर भी हो जाए और साथ में आपकी परीक्षा की अच्छे से तैयारी भी हो जाए। तो जैसे कि इसमें 27 पार्ट दे रखे हैं, जैसे कि प्राचीन विश्व है, मध्यकालीन विश्व है, आधुनिक विश्व एक, आधुनिक विश्व सेकंड, तो ये टोटल मिला के आपके जो लेसन है 27 लेसन बैठते हैं, ठीक है। तो इन 27 लेसनों की प्रत्येक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं आज इसका पहला चैप्टर, प्राचीन विश्व। तो प्राचीन विश्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं थी हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर, ठीक है। जो मानव ने अपनी सभ्यता का विकास कैसे किया, पहले पूरा पाषाण काल था, फिर कांस्य युग आया, लोह युग आया, ठीक है, ताम्र युग आया। तो पूरा पाषाण काल मतलब जिस समय जो लोग हैं अपने रहने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जंगलों में रहते थे, ठीक है, साथ में अपने सुरक्षा के लिए जो है हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों के ढेले का इस्तेमाल करते थे। उस समय जो अलग अलग सभ्यता के लोग हुए, उन्होंने कैसे रहे, वो उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया, वो इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। और कैसे वो लौह युगीन तक पहुँचे, और आज तो जो है लौह युगीन से भी हम ज़्यादा इतने विकसित हो गए कि हमारे पास जो है हथियार है वो अब हमें पत्थर के हथियारों की या फिर लोहे के हथियारों की जरूरत ना हो के हमारे पास इतने विशाल या फिर इतने कई कोटि कोटि गुणा जो है ऐसे मजबूत है और इतने गुणों वाले हथियार हो गए हैं। तो आज हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। तो पढ़ते हैं प्राचीन विश्व के बारे में। पूरा पाषाण काल में मानव ने पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से हथियार और औजार बनाना सीखा। देखो, पूरा पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल मतलब जहाँ पर पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जिस समय पत्थर का उपयोग लोग करते थे उससे पहले भी, ठीक है, तो पत्थर के उपयोग करने से पहले लोग हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, तो उस समय की यहाँ पर बात हो रही है। देखो, अगर आपको वीडियो साफ ना दिखाई दे तो आप 340 वाला पिक्सल है या फिर अपने पिक्सल को चेंज कर सकते हो, अच्छी वाली क्वालिटी का वीडियो को देख सकते हो। तो आपके जो वीडियो के पास में जो बाईं तरफ तीन जो बिंदु दे रखे हो तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आप एडवांस में जाकर अपनी जो वीडियो की क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। तो पूरा पाषाण काल में मानव ने पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से हथियार और औजार बनाना सीखा। इस समय मानव गुफाओं में रहते थे, अपने लिए खाने का प्रबंध जानवरों का शिकार करके या इधर उधर से इकट्ठा करके करते थे। तो इस समय क्या करते थे, जब पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, अपने जो खाने का प्रबंध वो जानवरों को मारकर इधर उधर से इकट्ठा करके करते थे। लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो उस समय क्या होने लगा, पशुपालन भी होने लगा। आदि मानव ने अपने रहने के लिए ठिकाना भी ढूंढ लिया, इसी कारण वे कृषि करने में भी सफल हो गए। अब देखो, उसने रहने के लिए ठिकाना ढूंढा तो वो कृषि करने में भी क्या हो गया, सफल होने लगा। क्योंकि जब एक स्थान पर व्यक्ति रहने लगेगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो उसने कृषि करना भी आरंभ किया, कृषि करना उसने सीखा। पाषाण युग में पत्थर, धातु युग, कांस्य युग और लोह युग आया था। तो पाषाण युग के अंतर्गत के बाद में क्या आया, देखो पाषाण युग यानी जहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बाद में क्या आया, धातु युग, कांस्य युग और लोह युग आया था। इन युगों से मानव की एक ऐसी सभ्यता प्रारंभ होती है जिससे मानव जीवन, उसके रहने सहने का ढंग, उसकी दैनिक जीवन की क्रियाओं को बदल डाला। कांस्य युगीन सभ्यताओं की मुख्य सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और भारतीय लोह युगीन सभ्यताएं थी। तो अब देखते हैं कांस्य युगीन, प्रत्येक के बारे में एक एक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं कांस्य युग, ठीक है। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। तो तांबा एक ऐसी धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने सर्वप्रथम करना शुरू किया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्य युग कहा गया। पत्थर और तांबे दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। अब पूछा जाए कि ताम्रपाषाण संस्कृति किसे कहा जाता है, तो जब पत्थर और तांबा यानी कि ताम्रपाषाण, पाषाण यानी कि पत्थर, तो पत्थर और तांबे का इस्तेमाल जिस संस्कृति में किया गया उस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रागा की मिश्रण धातु है, उसकी खोज भी इसी युग में हुई। अब कांसा कैसे बना जाता है, जो तांबा और रागा दोनों जो धातु होती है उनका मिश्रण करके ही तांबा बनाया जाता है।
तो इसकी खोज भी इसी युग में हुई, इसीलिए इसे काश्य युग भी कहते हैं। इस काल में हथियारों और औजारों के निर्माण में तांबा और काश्य ने एक हद तक पत्थर लकड़ी और हड्डी की जगह ले ली। तो देखो, जब तांबे का और काश्य का जो है खोज हो गई, उस धातु उन दोनों के मिश्रण से जो है काश्य का निर्माण करने लगे, तो है ना, तो उन्होंने क्या किया उस समय, तांबा और काश्य ने क्या किया, पत्थर है, लकड़ी है, हड्डी है, इनसे बने हुए हथियार की जगह अब लोग जो है तांबे और काश्य से बने हुए हथियार बनाने लगे, यानी कि काश्य से हथियार बनाने लगे और तांबे से हथियार बनाने लगे। तो पत्थर और लकड़ी के हड्डियों की जो हड्डी है उसके हथियारों की जगह तांबे और काश्य के हथियार ने ले ली। इसी काल में विभिन्न नदी घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यताओं का उदय हुआ। प्राचीन काल में लोगों ने महान सभ्यताओं का निर्माण कर मानवता की महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मानवता को क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत व चीन से उभरी विकसित हुई। तो अब ये प्राचीन सभ्यता हम कौन कौन सी देखेंगे, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अब हम इन सभ्यताओं के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। अब प्रत्येक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई, ठीक है, और उस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच की जमीन। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो नदियों के बीच की जमीन। ये दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी, जो आधुनिक इराक का नाम है। तो देखो, ये कौन सी नदियों के बीच में, दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित थी, जो कहाँ पर है, वर्तमान में आधुनिक इराक के अंदर है। इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। इस प्रक्रिया में उनके किनारे पर ढेर सारी मिट्टी और गाद जमा हो जाती थी। यह किनारों के पास की जमीन को खूब उर्वरा बना देती, जिससे उपज बढ़ जाती है। तो देखो, जब हमेशा उस नदी में बाढ़ आती दजला फरात नदियों के अंतर्गत, तो हमेशा क्या होती है, ढेर सारी मिट्टी उस बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से जम जाती थी, और वहाँ गाद जो उसका कीचड़ वगैरह होता है नदियों द्वारा लाया हुआ, वो जम जाता था, जिससे वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती थी, उपजाऊ और उर्वरा हो जाती थी, जिससे उसमें उपज भी बढ़ती थी। यहाँ के लोग भारत जैसे सुदूर क्षेत्रों के साथ जमीनी और समुद्री दोनों तरह के नियमित व्यापार करते थे। तो इराक के लोग जो दजला फरात और मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं, है ना, वो लोग भारत और साथ में भारत के साथ ही अन्य के जो दूर के देश थे उनके साथ में वो समुद्र के द्वारा और जमीन के द्वारा दोनों ही तरीके से उनसे व्यापार करते थे, यानी कि समुद्री रास्ते से और जमीनी रास्ते से। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी। उस समय की लिपि संकेतिक चिन्ह या चित्रों का समूह थी। तो उस समय की लिपि क्या थी, संकेत चिन्ह थे या फिर चित्रों का समूह था, यानी कोई चित्र बना दिया उसका वो मतलब कुछ और समझते थे वो लोग, उस समय के सभी के सब पता था कि भाई इस चित्र का मतलब ये होता है। तो संकेतों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से वो पढ़ना लिखना समझते थे। बाद में वे फान जैसी लकीरें खींचने थे, तो फान जैसी जो लकीरें होती है वो लकीरें वो खींचने लगे। ये लिपि कीलाक्षर कहलाई, क्योंकि कील के समान, जैसे कि ये कील हो गई, कील के समान उन्होंने कुछ लकीरें खींची, ठीक है, उनका कुछ अलग ही अर्थ वो समझते थे, उसका अर्थ वो निकालते। जैसे आज हम हैं जो इस तरह से कुछ लिखा जाता है तो उसका अर्थ हम क्या निकालते हैं, इसका अर्थ हम क निकालते हैं कि ये भी तो एक चित्र ही है ना, एक लिपि है, तो इस तरह का अगर कोई चित्र बना हुआ होगा तो उसको हम क समझेंगे। तो उस समय भी जो उनकी जो कीलाक्षर थी, कीलों के समान आकृति वाली जो अक्षर थी, उनका वो कुछ और मतलब समझते थे और उसको समान अर्थ के रूप में देखते थे। तो इस तरह से कीलाक्षर लिपि कहलाती थी। तो अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो कीलाक्षर लिपि प्रचलित थी, जो कील के समान लिखी जाती थी, फान के समान लकीरें खींचकर लिखी जाती थी, ठीक है। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहर छोटे राज्यों के समान थे, उनका अपना शासन वर्गों में पुरोहित, राजा और कुलीन शामिल थे। उनके अलावा सौदागर, आम लोग और गुलाम थे। यहाँ के लोग आकाश का देवता, हवा का देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, प्रजनन देवी, प्रेम की देवी और युद्ध का देवता की पूजा करते थे। हर शहर का एक संरक्षण देवता होता था। यहाँ अनेक खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किसानों और गुलामों, जो ज़्यादातर युद्ध बंदी होते थे, उनसे करवाया था। तो देखो, यहाँ पर अधिकतर जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो किससे करवाया गया है, उस समय के शासकों द्वारा, किसानों के जरिए, गुलामों के जरिए, जो ज़्यादातर युद्धबंदी होते थे उनके जरिए, उनसे वो मजदूरी लेकर, मतलब उनसे फ्री में काम करवा के, और उनसे वो मंदिरों का, महलों का आदि का निर्माण करवाते थे। अब ये पढ़ी हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो आपसे यहाँ से कुछ कई प्रश्न बनते हैं कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दजला फरात इसका नाम आएगा, वर्तमान में कौन से, मतलब कौन सी जगह पर है, तो ये इराक के अंदर तक अंतर्गत आ गया, ठीक है, वहाँ की अक्षर लिपि कैसी थी, ठीक है, और इस तरह से प्रश्न इसमें से बनते हैं। अगला है मिस्र की सभ्यता, जो कि चीन में है। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तरफ है,
ठीक है, अफ्रीका के अंदर। तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र को अक्सर नील नदी का तोहफा कहते हैं, क्योंकि मिस्र का जो है वो नील नदी के तोहफा की, नील नदी के पास ही ये सभ्यता विकसित हुई है, तो मिस्र को अक्सर नील नदी का तोहफा कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। हर साल नदी में बाढ़ आती है और इसके किनारे जलमग्न हो जाते हैं, वहाँ पर गाद की एक मोटी परत जमा हो जाती है जो ज़मीन को बेहद उपजाऊ बना देती है। तो देखो, जो भी सभ्यता विकसित हुई है वो अधिकतर नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अगर पानी होगा तो वहाँ पर हर तरह का जो है विकास व्यक्ति कर सकता है। तो जो भी सभ्यता का विकास हो नदी के किनारे हुआ, तो ये भी जो है मिस्र नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि उस नदी के अंदर भी हर साल क्या आती थी, बाढ़ आती थी। बाढ़ के साथ में ही जो गाद है, मिट्टी है, उसकी मोटी परत जम जाती थी ज़मीन पर, जिससे वो ज़मीन बेहद उपजाऊ हो जाती थी। ईसा पूर्व 3100 तक मिस्र एक राजा के अधीन आ गया था। मिस्रवासी अपने राजा को भगवान मानते थे। मिस्री राजाओं को फराओ कहा जाता था। तो मिस्र के जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था, फराओ। प्राचीन मिस्री लिपि को चित्र लिपि या चित्राक्षर कहते थे। तो इसमें भी चित्रों के माध्यम से भी पढ़ते लिखते थे, ठीक है, अपनी बातों को बताते थे। तो चित्र लिपि या चित्राक्षर कहते थे। प्राचीन मिस्र वासियों को गणित की, खासकर रेखा गणित की अच्छी जानकारी थी। उन्हें माप तोल की भी खासी जानकारी थी। तो अब देखो, ये आगे मिस्र सभ्यता की विशेषता क्या है, तो यह वहाँ के लोगों की क्या विशेषता है, तो उनको खासी गणित आती थी, यानी कि उनको अच्छी खासी गणित आती थी, रेखा गणित आती थी। इसके साथ में वो माप तोल की जानकारी उनको थी, ठीक है। फराओ ने, यानी कि वहाँ के राजाओं ने, फराओ ने प्राचीन विश्व में महान स्मारक पिरामिड बनाए। तो मिस्र के पिरामिड के बारे में उन्होंने सुना होगा। तो वहाँ के राजाओं ने जो है मिस्र के जो पिरामिड बनाए। मिस्रवासी मौत के बाद जिंदगी पर यकीन करते थे, इसीलिए शव को संरक्षित रखते थे। जैसे हमने मम्मीज देखा, मम्मीज होते थे वहाँ पर, कि मरने के बाद भी वो उसमें कुछ इस तरह का है ना पदार्थ भर देते थे ताकि वो खराब ना हो, तो ठीक है। तो ये मिस्र के वासी जो मौत के बाद भी क्या करते थे, जिंदगी को मानते थे, इसीलिए वो शवों को संरक्षित रखते थे। इन संरक्षित शवों को मम्मी कहा जाता है। पिरामिड को मृत राजाओं के मम्मी किए गए शवों को रखने के लिए मकबरों के रूप में बनाया गया था। तो ये हो गई मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी। अगला है चीन की सभ्यता। अब वो चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चीन की सभ्यता, चीन सभ्यता उत्तरी चीन में हांगवा नदी घाटी में फूली। देखो, मिस्र की सभ्यता जो मिस्र नदी के पास में है ना, और मोसोपोटामिया की सभ्यता दजला नदी, दजला फरात नदियों के पास में, जो कि इराक में है। लेकिन अब चीन की सभ्यता है चीन के उत्तरी चीन में हवांग नदी के घाटी में फली फूल। तो देखो, ये भी नदी घाटी के पास में बनी है। ऐतिहासिक शास्त्रों के मुताबिक चीन शुरुआती शासन सांग शासन में लेखन शैली ईजाद की गई। इसके काल के दस्तकार विशेषतः काश्य शिल्पी अपने काम में माहिर थे। चाऊ ने सांग वंश की सत्ता खत्म कर दी, लेकिन कोई भी चाऊ राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ जो पूरे राज्य को अपने काबू में रख सके। चाऊ शासन के पर्वती काल में लोहे का इस्तेमाल होने लगा, जिसने काश्य युग का समापन हो गया। ईसा पूर्व 221 में चीन राजा चीन के शासक बने। उन्होंने कुलीनों की ताकत कुचल डाली। चीन राजाओं ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया और हरेक के लिए एक एक शासक नियुक्त कर दिया। तो चीन राजाओं ने क्या किया, साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया और हर प्रांत के लिए हरेक एक एक शासक नियुक्त कर दिया। उन्होंने चीन की मशहूर दीवार भी बनाई। चीन वंश के बाद हान वंश आया। तो चीन वंश के बाद में क्या आया, हान वंश। उसने 220 ईसा काल तक चीन पर राज्य किया। इस दौरान मध्य एशिया और फारस से गुजरने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग की ओर से पश्चिम से चीनी सौदागरों का नियमित संबंध बना रहा। तो देखो, अब यह रेशम का मार्ग भी हुआ, जहाँ से रेशम का व्यापार करने के लिए पश्चिम से चीनी सौदागर भी यहाँ पर आते थे। तो इस दौरान मध्य एशिया और फारस से गुजरने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग था, वहाँ से चीनी सौदागर भी आया जाया करते थे। यहाँ के लोग पूर्वजों और प्रकृति आत्माओं की पूजा करते थे। कन्फ्यूशन नामक एक प्रसिद्ध चीनी धार्मिक उपदेशक ने यही व्यवहार, सही व्यवहार प्रणाली का प्रचार प्रसार किया। तो देखो, कन्फ्यूशन नामक एक प्रसिद्ध चीनी धार्मिक उपदेशक था, उसने क्या किया, सही व्यवहार प्रणाली का प्रचार प्रसार किया। उसने चीनी समाज और सरकार को बेहद प्रभावित किया। तो अब इस धार्मिक जो उपदेशक है उसका नाम आपको याद रखना है ना। तो पूछा जाए कि वहाँ के चीनी जो है धार्मिक उपदेशक कौन है, चीनी धार्मिक उपदेशक, तो अब तो कन्फ्यूशस का नाम ध्यान रखना है। अगला है भारतीय हड़प्पा सभ्यता। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। भारत में काश्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। देखो, सिंधु नदी थी, ठीक है, तो सिंधु नदी भारत में बहती थी, ठीक है। भारत के अंतर्गत क्या आता था उस समय भारत के अंतर्गत जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो भी भारत के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, भारत का, पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो उस समय प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत, प्राचीन काल में ये सभी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो सिंधु नदी है वो भारत में से बहती थी, पाकिस्तान की तरफ जाती थी, ठीक है। पाकिस्तान तो अभी 1947 के बाद में बनाया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। तो उस समय दो पार्ट अपने भारत के हो गए, तीन पार्ट हो गए, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। लेकिन उससे पहले तो ये सभी पूरा क्या था, हमारा भारत देश के अंतर्गत ही आता था। तो भारत में काश्य युगीन सभ्यता
सिंधु घाटी और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर हड़प्पा के नाम से विकसित हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि जब भी जिन इन पुरातत्ववेत्ताओं ने जब इन सभ्यताओं की खोज की तो सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की, तो इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कह दो चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जब नगरों की खोज की गई तो उसमें सबसे पहला नगर हड़प्पा खोजा गया, जो कि भी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इस हड़प्पा सभ्यता के कारण ही, हड़प्पा नगर के कारण ही इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर हड़प्पा के नाम से विकसित हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर 1920 के दशक में तब प्रकाश में आया जब पुरातत्ववेत्ताओं ने वहां खुदाई की। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का पता चल चुका है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अनेकों स्थलों का अब तक पता चल चुका है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो सिंध। हड़प्पा पंजाब प्रांत में आता है, ये पंजाब वो वाला है जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत में आता है, लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली हरियाणा है, धोलावीरा गुजरात आदि क्षेत्र के नाम इसमें दिए गए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला है नगर नियोजन। देखो नगर नियोजन कैसा था, नगर नियोजन मतलब कि उस समय के रोज हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उस समय का वो नगर नियोजन उनका कैसा था। वे लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति। सुनियोजित जैसे कि अच्छे से गलियां बनी हुई थी, पानी की निकासी की व्यवस्था थी, है ना, घरों के दरवाजे जो है सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक है, चौकोर सड़कें थी, है ना, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह के कुछ जो नगर है उसका नियोजन यानी नगर की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि सभी तरह से अच्छे से व्यवस्था हो पाए। तो क्या विशेषता थी, साथ में मजबूत दुर्ग भी थे। दुर्ग उस समय राजाओं के रहने के लिए क्या थे, दुर्ग थे, महल थे, तो मजबूत दुर्ग भी थे। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत होती थी, और दुर्ग के अंदर भी सार्वजनिक इमारतें होती थी जहाँ पर जो बैरक बने हुए होते थे, जहाँ पर भी लोग रहते थे। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था जहाँ आम लोगों के मकान थे। नगरों में चौड़ी सड़कें थी, मकान ईंटों के बने थे, हर घर में कुएं, स्नान घर, नाली और प्रणाली थी। यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता विशाल स्नान घर जो 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा था। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार एक महत्वपूर्ण इमारत थी। देखो हड़प्पा में एक विशाल अनाज का भंडार मिला है जो कि यहाँ की एक विशाल इमारत थी। साथ में अब देखो यहाँ के नगर नियोजन के अंतर्गत क्या आएगा, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में बताओ तो, या नगर नियोजन की विशेषता बताओ, तो यही होगी कि वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, मकान ईंटों के बने हुए थे, हर घर में कुएं होते थे, स्नान घर होते थे, नाली होती थी, प्रणाली होती थी। ठीक है, वहाँ पर विशाल स्नान घर होते थे जो कि 180 फुट से लेकर 108 फुट चौड़ा होता था। इसके अलावा अनाज रखने के लिए विशाल भंडार भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला समाज और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था ने वो कैसा क्या कामकाज करते थे, ठीक है, वो देखेंगे अपन। हड़प्पा का सामाजिक और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा वासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे। तो हड़प्पा वासी जो है पशुपालन करते थे, दस्तकारी यानी कि हाथों से बुनाई वाले कार्य करते थे, व्यापार करते थे, वाणिज्य करते थे। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, तिल और मटर थी। लोथल और रंगपुर में धान मिले हैं। लोथल और रंगपुर जो हड़प्पाकालीन संस्कृति की ही देन है, उसके ही मतलब हड़प्पाकालीन संस्कृति का ही एक स्थल है। तो लोथल जो गुजरात में है, रंगपुर और लोथल से क्या मिला, धान यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में हल्की लीक के निशान मिले। अब जो कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ पर हल चलाना यानी खेत के अंदर जो जुताई का खेत को जोतते हैं तो हल चलाने के जो निशान होते हैं वो मिले हैं। सिंचाई के कई तरीकों का इस्तेमाल करते थे। गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था। लोग अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल खाते थे। वाणिज्य और व्यापार भी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के संबंध थे। अब देखो मेसोपोटामिया जो कि दजला फरात नदियों के पास में इराक में थी, तो उनके लोगों के साथ भी उस समय क्या थे, लोगों के साथ में अच्छे व्यापारिक संबंध थे। वे सोना, रांगा, तांबा जैसी धातुओं का और अनेक प्रकार के रत्नों का आयात करते थे। निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत की बनी चीज़ों और दस्तकारी सामान शामिल थे। हड़प्पा की मिट्टी की बनी मोहरों का इस्तेमाल संभवतः वाणिज्यिक उद्देश्य था। तो देखो हड़प्पा के समय जो मोहरें थी, जैसे कि आज हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, सिक्के का प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं, तो उस समय क्या करते थे, मिट्टी की मोहरें बनी हुई थी। ठीक है, जिसका वो उद्देश्य वाणिज्य संबंधित वो उद्देश्य था। अगला धर्म और संस्कृति। हड़प्पा काल में कैसा धर्म था, कैसी संस्कृति थी, तो उस समय मातृदेवी या हड़प्पा वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रतीत थी। जैसे आज हम माता की पूजा करते हैं, ठीक है, उस समय मातृदेवियाँ जो है हड़प्पा वासियों के बीच में बड़ी लोकप्रिय थी, मातृदेवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो के
मोहनजोदाड़ो में एक पुरुष देवता भी मिला है जिसे शिव या पशुपति का आदि रूप कहा गया है। तो देखो मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई की गई तो वहाँ पर शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति जिसको जैसे कि एक पुरुष की पुरुष देवता की मूर्ति मिली है, जो उस समय की कोई देवता होगा जिसको पूछते थे, जिसको शिव की उपाधि दी गई है। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोगों की मान्यता थी कि ये पशुपति है, ये शिव के रूप में उनको उस मूर्ति को पूजा जाता होगा। उसे एक मोहर पर पशुओं से घिरे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया। तो जो पुरुष देवता की मूर्ति मिली है ना, उसको क्या कहें, पशुओं से घिरे हुए और योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। लिंग पूजा वृक्ष और जड़ात्मकवाद की प्रचलित थे। लिंग की पूजा करना, वृक्ष की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, हवा की पूजा करना इस समय प्रचलित थे। विभिन्न स्थलों पर मिले ताबीज और जंतर मंत्र आत्माओं तथा उन पर उनके विश्वास की ओर इशारा करते हैं। अब विभिन्न स्थानों पर क्या मिला, साथ में विभिन्न स्थलों पर ताबीज मिले, जंतर मंतर मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो हैं वो जो आत्मा है ना, भूत प्रेत पर भी विश्वास करते होंगे। वे एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अभी तक भी नहीं समझा जा सका। वो इस तरह की एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसको अभी भी नहीं पढ़ा जा सका है कि वो क्या लिखना चाह रहे थे, आपस में वो क्या उस लिपि के जरिए क्या एक दूसरे को समझाते थे। तो देखो हर समय के जो लोग होते हैं उनका कुछ ना कुछ संस्कृति होती है, सभ्यताएँ होती है, उनका रहन सहन होता है, वो सभी इस के अंतर्गत बताया गया। तो हड़प्पा संस्कृति के भी जो लोग थे उनका धर्म में क्या विश्वास था, वो किस तरह से रहते थे, ठीक है, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सभी संस्कृति के अंतर्गत, सभ्यता के अंतर्गत बताया गया है। तो ये हो गया। अब देखो आगे, तो ये धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ा, तो पूछा जाए हड़प्पा वासियों के धर्म और संस्कृति पर क्या विश्वास है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अगला है पतन। अब हड़प्पा संस्कृति का पतन कैसे हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर डाला, लेकिन संदेश पर प्रतीत होता है। तो इतिहासकार क्या मानते हैं कि आर्यों ने क्या किया, हड़प्पा पर क्या किया, आक्रमण किया, जिससे कि वो हड़प्पा संस्कृति खत्म हो गई। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, इतना हम उसको सत्य नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि आर्यों के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया था। क्योंकि आर्य जब भारत आए उससे सदियों पहले ही क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो चुका था। प्राकृतिक आपदा इस सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण जान पड़ती है। तो यह पता हो सकता है, ये जान सकते हैं, ये हम सत्य मान सकते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे कि भूकंप है, कोई बाढ़, इस तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, या कोई सूखा हो गया होगा, ठीक है, महामारी कहीं ऐसी आ गई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ की राय में मेसोपोटामिया से ही रहे समुद्री व्यापार में गिरावट की भी इस सभ्यता के पतन की मुख्य भूमिका रही होगी। हो सकता है मेसोपोटामिया से जो है समुद्री व्यापार में गिरावट आ गई होगी तो सभ्यता का विनाश हो गया होगा। अगला है लौह युगीन सभ्यता। तो लौह युगीन सभ्यता के अंतर्गत क्या आता है कि लौह युग का मतलब वह समय है जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और इसका इस्तेमाल होने लगा। इसका मतलब यह है कि लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और इसका इस्तेमाल होने लगा। यह करीब 300 साल पहले आरंभ हुआ। इससे लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिया। लोहा तांबा और कांस्य में बहुत सस्ता और मजबूत था। देखो लोहा क्या था, तांबे और कांस्य से बहुत सस्ता और मजबूत भी था। लोहे के औजार से कृषि उपज में खासी वृद्धि हुई। देखो अब लोहे के औजार बनने लगे तो कृषि के उत्पादन में भी क्या हो गया, वृद्धि होने लगी, क्योंकि लोहे से अनेक तरह के औजार बनाए जाने लगे। आज भी हम देखते हैं तुम जो सारे औजार किसके होते हैं, लोहे के होते हैं। तो लोहे के औजार से क्या हो, कृषि करना, खेती करना भी आसान हो गया। लोहे के इस्तेमाल से परिवहन और संचार पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लोहे के इस्तेमाल से क्या हो, परिवहन यानी कि संचार है, परिवहन, इनका भी इस्तेमाल होने लगा। व्यापार और वाणिज्य में भी फला फूला। यह व्यापार के लायक खुशहाली लाया। नए हथियार भी इसी युग की देन है। लोह युग बौद्धिक प्रगति का भी दौर था। इस दौर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास वर्णमाला की शुरुआत थी। वर्णमाला यानी कि जो हम लिख रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला की शुरुआत हुई। इस युग में पुराने चित्रलिपि पर आधारित लिखावट की जगह ली। तो इसने क्या किया, इससे पुराने जो चित्रलिपि थी, तो पुराने समय में चित्र बनाकर या कुछ और बनाकर जो अपने संकेत के रूप में कुछ बताते थे लोग, उसका स्थान अब लिपि ने ले लिया। ठीक है, जो सभ्य लोह युग में फली वे देश थे ग्रीस। अब देखो ये लोह युग कहाँ कहाँ फला, ग्रीस, रोम, पर्शिया और भारत। इस सभ्यता पूर्व युग से कई ज़्यादा विकसित थी। तो ये सभ्यता है जो पूर्व के युग की जो सभ्यता हुई उससे भी कई ज़्यादा विकसित थी। अगला है यूनानी सभ्यता। अब यूनानी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनानी सभ्यता करीब 2000 साल पहले से कुछ समय बाद यूनान में विकसित हुई। देखो यूनानी सभ्यता कब हुई, करीब आज से 2000 साल पहले कुछ समय पहले यूनान में विकसित हुई। नगर राज्यों का विकास यूनानी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। तो नगर राज्यों का क्या हुआ, वहाँ पर विकास हुआ। हर एक नगर सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरा हुआ होता था। नगर के अंदर किसी पहाड़ी पर किला होता था जिसे एकोपोलिए कहते थे। तो जो एकोपोलिए किसे कहते थे, नगर के अंदर किसी पहाड़ी पर किला होता था जिसे उनकी भाषा में क्या कहते थे, एकोपोलिए। यूनानी नगर राज्यों में सबसे प्रसिद्ध एंथेस और स्पार्ट
स्पार्टा थे। तो यूनानी राज्यों में सबसे प्रसिद्ध क्या थे, एंथेस और स्पार्टा थे। एंथेस धनी और संस्कृत था, सुसंस्कृत था। एंथेस क्या था, धनी लोगों का था और वहाँ पर सुसंस्कृत लोग रहते थे। एंथेस वासियों में लेखक, दार्शनिक, कलाकार और चिंतक शामिल थे। समाज गुलाम श्रम आधारित था। समाज क्या था, गुलाम था और श्रम आधारित था, यानी मजदूर लोग थे, लेकिन नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। पूरे यूनान में स्पार्टा की सेना सबसे अच्छी थी। यहाँ युद्ध कौशल का प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज माना जाता था। वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं था। एंथेस और स्पार्टा में खासी स्पर्धा थी। पेरिक्लीज का दौर एंथेस के लिए स्वर्ण युग था, लेकिन एंथेस और स्पार्टा के बीच 27 साल तक चले पेलो पोनीसियाई युद्ध में एंथेस की हार हो गई। प्राचीन यूनानी कला, विज्ञान, साहित्य और मूर्तिकला में अग्रणी थे, इसीलिए महान यूनान को पश्चिमी सभ्यता की जन्म स्थली कहते थे। तो प्राचीन यूनान को क्या कहते हैं, पश्चिमी यूनान। तो महान यूनान को क्या कहते हैं, प्राचीन सभ्यता की जन्म स्थली कहते हैं। सुकरात, अफलातून और अरस्तु आदि महान दार्शनिक थे। तो ये यूनान में हुए, सुकरात है, अफलातून है, अरस्तु ये जो प्राचीन दार्शनिक है वो कहाँ के थे, यूनान के। हेरोडोटस और मुशिडाइडीज प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आर्किमिडीज, एरिस्टार्क्स और डोमेक्रिट्स महान वैज्ञानिक थे। यूनानियों को वास्तुकला में भी महान महारत हासिल थी। तो अब देखो इन सबके नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाए, है ना, पूछा जाए यूनान के महान व्यक्तित्व के नाम लिखिए, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। यूनानियों को वस्तुकला में भी महान महारत हासिल थी। ईसा पूर्व 776 में शुरू हुए ओलंपिया नामक जगह पर हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। खेल और एथलिक देवताओं के राजा जीयस के सम्मान में होते थे। तो वहाँ पर खेल और एथलिक्स किसके देवता के सम्मान में होते थे, जीयस के सम्मान में होते थे। यूनानी मानते थे कि उनके देवी देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते हैं। यूनानी नगर प्रशासन तथा सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। एक समय में यूनानियों ने विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। मकदूनिया के सिकंदर ने, जिसे इतिहास में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, यूरोप के बाहर जाकर सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया तथा पूर्व पश्चिमी भारत के हिस्सों को जीता। सिकंदर 33 साल की छोटी सी उम्र में मर गया। बाद में रोम वासियों ने यूनान पर कब्जा कर लिया। देखो सिकंदर महान भी कहाँ का था, ये भी यूनान का था। सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला है रोम सभ्यता। अब रोम सभ्यता का विकास कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा। तो रोम कहाँ बसा हुआ है, मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोमवासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की। रोम गणराज्य का संचालन सीनेट करता था। तो रोम गणराज्य, गणराज्य मतलब होता है जहाँ पर राजा का शासन होता है, और लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजा को स्वयं जनता चुनती है। तो यहाँ पर गणराज्य की स्थापना की, रोम गणराज्य का संचालन सीनेट करता था जो बुजुर्गों का एक समूह था। ईसा पूर्व 200 तक रोम इटली की प्रमुख शक्ति बन चुका था। उसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कार्थेज जैसे प्रतिद्वंदियों को परास्त किया था। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था रोम, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कार्थेज जैसे प्रतिद्वंदियों कार्थेज जैसे जो दुश्मन देश थे उनके, उनको उन्होंने क्या किया, परास्त किया। पूर्व रोम साम्राज्य में 3 वर्ग थे, पैट्रिशियन जिसे कुलीन कहते थे, फिलिपियन जिसे आमजन और गुलाम। रोमन अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम पर आधारित थी। इन गुलामों को अक्सर ग्लेडिएटर युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था जो गुलामों व जंगली जानवरों के बीच लड़ा जाता था। रोम में अनेक गुलाम विद्रोह हुए, उनमें से एक का नेतृत्व स्पार्टकस यानी कि 74 ईसा पूर्व ने किया। रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला था। तो रोम साम्राज्य कितने महाद्वीप में फैला हुआ था, 3 महाद्वीपों में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। अगस्टक के शासनकाल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। तो बेथलेहम भी कहाँ है, यह भी रोम के अंतर्गत ही आता है। जब रोम साम्राज्य अपने शिखर पर था तो वह पूर्व में मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिम में गाल और ब्रिटेन तक फैला था। ग्रामीण इलाकों में रोमवासियों ने विशाल और आरामदेह फार्म हाउस बनवाए, वो विला कहलाते थे। पूरे साम्राज्य में लोग रोम जीवन शैली अपनाते थे। गैलेडियटी की लड़ाई, रथों की दौड़ और थिएटर आम मनोरंजन थे। तो उसमें मनोरंजन के साधन भी यही थे। रोम का साम्राज्य सम्राट की इच्छा पर चलता था, लेकिन उसकी ताकत का दामोदर सेना पर था। वर्ष 395 ईस्वी तक बेहतर प्रशासन के लिए विशाल रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। साम्राज्य का पूरा हिस्सा राजधानी बाइजेंटियम बबरम हमलों के चलते पश्चिमी भाग में पतन के बाद भी बना रहा। अगला है ईरान की सभ्यता, जिसे ईरानी सभ्यता कहते हैं। लोह युग में फारस यानी आधुनिक इराक
तो आधुनिक इराक में आर्य कबीले में रहते थे। तो आर्य क्या रहते थे? कबीले में रहते थे। मीडीज नामक उनकी एक शाखा देश के पश्चिमी हिस्से में रहती थी, दूसरी शाखा दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रहती थी और फारसी कहलाती थी। मीडीज ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। तो मीडीज ने क्या किया? एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जिसमें ईरान का विशाल इलाका शामिल था। देखो ये ईरान की बात हो रही है और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक के पास में स्थित थी। तो ईरान दो अलग अलग देश है, ठीक है, जिसमें ईरान का विशाल इलाका शामिल था। पहले फारसियों को भी इसका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। पारसी राजाओं में से एक साइरस ने 550 ईसा पूर्व में पारसियों को एकताबंद किया और मीडीज को पराजित कर एकेमेनी साम्राज्य की स्थापना की। दारा प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूरी छोर तक फैला था। उसने पर्सिपोलिया को अपनी राजधानी बनाया। एकेमेनी वंश के इस सम्राट के शासनकाल में ईरानी कला वास्तुकला और मूर्तिकला विकास हुआ। फारसी योग्य प्रशासक थे। हिंदू आर्यों की तरह फारसी पहले प्रकृति की शक्ति की पूजा करते थे। प्रकृति शक्ति जैसे कि सूर्य है, सूर्य देवता है, पवन देवता है, नदियां है, पहाड़, इनकी पूजा करते थे। वे सूर्य देवता, आकाश देवता और कुछ अन्य देवताओं को मानते थे। वे आग को पवित्रता का प्रतीक मानते थे। वे आग से जुड़े कर्मकांड करते और पशुओं की बलि दिया करते थे। बाद में एक धार्मिक उपदेशक जरथुस्त ने उन्हें सिखाया कि तमाम देवताओं के ऊपर अहूर मजद है। वह स्वर्ग और प्रकाश का मालिक है जो लोगों को ताकत और ऊर्जा देता है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ जेद अवेस्ता कहलाता है। तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? जेद अवेस्ता। उनका जो धर्मगुरु कौन है? जरथुस्त। ये आपको नाम याद रखना है। अगला है भारत वैदिक काल। देखो भारत में फिर कौन सा काल आया? वैदिक काल आया, जो लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा काल तक, 600 ईसा काल तक रहा, ईसा पूर्व तक रहा। अब देखो भारत वैदिक काल। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत वैदिक युग से होती है, जिसका आरंभ करीब 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन से हुआ। आर्य जब भारत में आए तो वैदिक काल का आरंभ हुआ, जिस दौरान कई आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। इसलिए वैदिक युग को बराबर अवधि के दो कालों में विभाजित किया गया। तो वैदिक युग को दो कालों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्य ऋग्वेद से मिलती है। तो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई है। बाकी के जो भी वेद है वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। जो प्रथम वेद है, तो ऋग्वेद कौन सा है? प्रथम वेद। पूर्व वैदिक लोग प्राय घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। घुमंतु जीवन मतलब वो चारों में इधर उधर घूमते रहते थे पशुओं को लेकर, ठीक है, जहाँ भी उनको चारा मिला वहीं पर रुक गए। तो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते थे। उनकी आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। मवेशी पालकर आजीविका का मुख्य साधन था, किंतु घोड़ों, बकरियों और भेड़ों का भी महत्व था। तो ये पशुपालन करते थे, तो पशुओं के चराने के लिए जहाँ उनको घास मिलती थी वहीं पर वो जाकर अपना डेरा जमा लेते थे, पशुओं को वहाँ चराते थे। कुछ दिन बाद जब वहाँ पर घास की समाप्ति हो जाती थी फिर वो किसी नए स्थान पर चले जाते थे। तो इस तरह से उनका घुमक्कड़ जीवन पशुपालन वो करते थे। थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी। कबीले का मुखिया राजा कहलाता था और देवी देवता की पूजा की जाती थी, जिसमें इंद्र सबसे प्रमुख देवता था। उत्तर वैदिक काल के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं, जिसके लिए हमारे स्रोत है विशाल उत्तर वैदिक साहित्य और प्रचुर पुरातात्विक सामग्री। अब देखो पूर्व वैदिक काल के बाद में क्या है? उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में फिर भी हमें थोड़ी बहुत और अच्छे से जानकारी मिलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें उस समय के उत्तर वैदिक काल के कई साहित्य हमें मिले जो प्रचुर मात्रा में है, कुछ पुरातत्व सामग्री हमें मिली जिससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी अच्छे से मिलती है। उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल है बाकी के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। तो उसमें उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद भी उसी समय लिखे गए। इस काल की ढेर सारी जगहों की भी खुदाई हुई। तो इस काल में क्या हुआ? ढेर सारे जगहों की क्या हुई? खुदाई हुई। हर जगह एक खास किस्म के मर्दभाण मिले। हर जगह पे क्या हुआ? एक खास किस्म के मर्दभाण मतलब मिट्टी के बर्तन, जिन्हें चित्रित धूसर मर्दभाण कहते हैं। तो उस जो मिट्टी के भांड हुए, मिट्टी के जो बर्तन थे उसके ऊपर चित्र बनाए हुए थे। इस काल के अंत में पूर्व दिशा में और आगे तीन राज्यों की स्थापना की गई, काशी, कौशल और विदेह। खेती बाड़ी अब प्रधान कार्य था। लोग अब गाँव में स्थित जीवन व्यतीत कर रहे थे। जाति प्रथा उभर कर चार वर्णों का रूप लेने लगी। तो वैदिक काल में चार जातियां निकल के, चार जाति नहीं थी उस समय, वैदिक काल में सिर्फ चार वर्ण बने हुए थे।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यज्ञ बड़े विस्तार से चलते थे। इंद्र देवता का महत्व तो कम हो गया था। आपने जैसे कि रामायण देखी तो रामायण के अंदर जो वैदिक काल की ही अधिकतर चीज़ें बताई गई है, ठीक है, उसमें यज्ञ वगैरह किया जाता था, ठीक है, ब्राह्मण को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, क्षत्रिय है जो राजा है वो क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है, और नए देवता जैसे कि प्रजापति अब मुख्य देवता हो गए थे। इस काल में के अंत में यज्ञों के कर्मकांड के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती। तो इस काल में यज्ञों के कर्मकांड का क्या, जो यज्ञ है जो कर्मकांड होते थे वो बहुत महंगे हो गए थे, जिससे कि आम जनता जो है उन यज्ञों को नहीं करवा पाती थी, तो उसके प्रति भी जो है विद्रोह उत्पन्न इस समय हो चुका था। अगर वैदिकोत्तर काल का मतलब वैदिक काल के बाद का समय, छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य उभरे जिन्हें महाजनपद कहते थे। इस तरह से 16 राज्य थे। तो महाजनपद छोटे छोटे जनों से मिलकर, छोटे छोटे जगहों से मिलकर जो बड़े राज्य बने उसको उस समय महाजनपद कहते थे, जो वैदिक काल के बाद में आए। ये कितने जनपद थे? 16 राज्य थे। अंग, मगध, वज्जी, काशी, कौशल, मल, कुरु, पांचाल, वत्स, अम्बी, कम्बोज, गंधार, अश्मक, चेदी, मत्स्य और शूरसेन, ये सारे 16 क्या है, ये 16 जनपदों के नाम है जो उस समय वैदिक काल के बाद उभर कर ये 16 जनपद सामने आए। जनपद यानी छोटे छोटे राज्य हो गए थे, जनों का समूह, छोटे छोटे राज्य है वो जनपद हुए, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक रूपांतर का भी एक दौर था, तो उसमें उस समय जो सामाजिक समाज में धर्म में भी कुछ परिवर्तन आया। लोगों ने कर्मकांठी ब्राह्मणवाद और वैदिक बलि प्रथा के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त किया। अनेक पंथ उभर कर सामने आए, इनमें जैन और बौद्ध प्रमुख है। तो उसके बाद में कौन से धर्म सामने आए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म सामने आए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। वे कपिल वस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुदोधन के पुत्र थे। बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। तो ये किसके बारे में हो रहा है बात? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में हो रहा है। उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, 563 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और वो कपिल वस्तु के शाक्य क्षेत्रीय के जो राजा थे सुदोधन के पुत्र थे। बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जिसको बोधिसत्व कहते हैं वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। 80 साल की उम्र में, जो कि 483 ईसा पूर्व कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। अब देखो, जैन धर्म, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों उस समय आया उत्तर वैदिक काल में, सॉरी वैदिक तो वैदिकोत्तर काल मतलब वैदिक काल के बाद में। तो ऋषभनाथ है वो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। वर्धमान महावीर इस पंथ के 24वें तीर्थक थे। तीर्थक यानी कि एक जो महात्मा कह सकते हैं अपन, तो वर्धमान जो है यानी महावीर स्वामी है, वर्धमान महावीर स्वामी 24वें तीर्थक हुए। और पहले तीर्थक कौन से है? ऋषभदेव। महावीर का जन्म वैशाली यानी बिहार के निकट कुंडा गांव में 540 ईसा में हुआ था। उन्होंने 42 साल की उम्र में कैवल्य प्राप्ति करके अनुयायी जैन कहलाए। तो उन्होंने 42 साल की उम्र में कैवल्य प्राप्त कर लिया यानी ज्ञान प्राप्त किया, और उनके उपदेशों को मानने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। बौद्ध धर्म की तरह ये कर्मकांड और वैदिक ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। देखो, बौद्ध धर्म के सम्मान, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने का कारण यही था कि वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कर्मकांड और ब्राह्मणवाद, यानी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझा जाने लगा, बाकी की जातियों को तुच्छ समझा जाने लगा, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद हो गया, ठीक है। कर्मकांड, जो भी कर्मकांड किए जाते वो इतने महंगे हो गए कि आम जनता यज्ञों को कर्मकांडों को नहीं करवा पाती थी, ठीक है। तो उस समय की जनता इतनी त्रस्त हो गई, जैसे कि मान लो वर्तमान काल है, आपके घर में अगर कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या कोई बच्चे का जन्म होता है, या कोई विवाह उत्सव होता है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उस समय क्या आता है? ब्राह्मण आते हैं कि हमें तो ये दक्षिणा दो, हमें इस तरह से कार्य करना है, आपको इस तरह से कार्य करना पड़ेगा। वो लंबी छोटी लिस्ट बना के दे देते हैं, ठीक है, भले उस व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य हो या ना हो। तो यही चीज़ें उस समय होने लगी थी, जिसके कारण लोग जो है बड़े ही दुखी हो गए कि हम कर्मकांड कैसे करें। उनका पूरी जो कमाई है वो सारी कर्मकांडों में चली जाती थी। तो इस वजह से जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म किसी कर्मकांड को नहीं मानता था। तो लोगों का झुकाव अधिकतर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ होने लगा। तो कर्मकांड और वैदिक ब्राह्मणवाद का उस समय विरोध होने लगा। यह जाति व्यवस्था का भी विरोध करता है और धर्म और क्रम के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। क्रम का सिद्धांत मतलब कि कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे आपको, और साथ में पुनर्जन्म पर भी ये विश्वास करता है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। अगला है मौर्य काल। अब देखो, उसके बाद कौन सा काल आया? मौर्य काल आया। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। उस समय का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने एक भारत के विशाल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उस समय का काल क्या कहलाया? मौर्य काल कहलाया, जो कि 322 के आसपास हुआ। मौर्य काल, नंदवंश के अंतिम राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना
की विजय और विलय की सतत प्रक्रिया से वह लगभग संपूर्ण भारत को एकताबंद करने में कामयाब रहा। 322 ईस्वी का मतलब है अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 2022 ईस्वी चल रही है, तो 322 ईस्वी ये समझ लो आप, ठीक है। तो उस समय विजय और विलय, विजय करना यानी कि राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना, साथ में विलय करना यानी दो राज्यों को, राजाओं को समझाया, राजाओं से संधि किए, उन राज्यों को जो राजा, कुछ राजा ऐसे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हो गए, डर गए, तो उन्होंने खुद को बिना लड़ाई किए ही, बिना युद्ध किए ही अपने आप को उन राज्यों में विलीन, उनके राज्य में विलीन कर लिया, उनके राज्य में अपने राज्य को मिला लिया। या फिर कोई राजा ऐसा था कि नहीं, मैं अपने राज्य को आपके राज्य में कैसे मिला दूँ, उन्होंने उस चंद्रगुप्त मौर्य का विद्रोह किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे क्या किया, उससे युद्ध किया और युद्ध करके उस राज्य को जीता और अपने राज्य में मिलाया। तो इस तरह से उन्होंने संपूर्ण भारत को क्या करें, एकता बंधन, अपने संपूर्ण भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त ने 297 ईसा पूर्व तक राज किया। भद्रबाहु से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने प्रशिक्षण दिया। तो चंद्रगुप्त का गुरु कौन था, चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ, बिंदुसार हुआ, जिसको अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। अमित घाट का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसने 297 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने दक्कन जीत कर मौर्य साम्राज्य को मैसूर तक पहुंचा दिया। बिंदुसार की मौत के बाद उसके बेटों के बीच में सत्ता संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी के इस युद्ध में अशोक 272 ईस्वी से 236 ईसा पूर्व विजित होकर मगध का शासक बना रहा। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना 260 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध था। देखो 260 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या है, अशोक, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया, बिंदुसार की मौत के बाद उसका बेटा सत्ता के अंदर जो क्या हुआ, उनके बेटों के बीच में कहते हैं कि 99 बेटे थे, सॉरी बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें से 99 पुत्रों को मारकर, 99 भाइयों को मारकर अशोक साम्राज्य, अशोक राजा बना था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है, ठीक है। तो उनमें उत्तराधिकारी के लिए क्या हुआ, युद्ध होने लगा, तो उसमें अशोक ज़्यादा विजित हुआ और वो मगध का शासक बना। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना 260 ईसा पूर्व में हुई। क्या हुई कि जब वो कलिंग पर युद्ध कर रहा था, तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, लोगों को मरे हुए लोगों को देखकर, खून खराबा देखकर उसका मन बदल गया और उसने युद्ध करना छोड़ दिया। तो पत्थरों पर खुदवाए अशोक ने 13वें शिला आदेश में उनका जिक्र किया है। तो अशोक ने कई पत्थरों पर कोई शिलालेख खुदवाए, कई दीवारों पर खुदवाए और अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाया। तो जो अशोक के खुदवाए गए, अशोक के 13वें शिलालेख है, उस पर उन्होंने इस बात का जिक्र है कि उन्होंने कलिंग का युद्ध के दौरान ही अपने युद्ध करने की नीति को छोड़ा और धम्म की नीति उसने अपना ली थी। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध का परित्याग कर दिया। वह एक परोपकारी राजा था। अशोक कैसा था, परोपकारी राजा था। धम्म की उसकी नीति धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों की इज्जत, बूढ़ों की देखभाल करना, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित थी। तो उसने धम्म की नीति अपनाई युद्ध के बाद में, है ना। तो धम्म की नीति में क्या हुआ, धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों की इज्जत करना, बूढ़ों की देखभाल करना, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित थी। इसके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सरहदों के पार भी फैला। उसके महत्वाकांक्षी जनरल पुष्यमित्र सुंग ने 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर डाली। तो अशोक के जो बाद में जो उत्तराधिकारी बने, उसके उत्तराधिकारी में जो उसका जो जनरल था, यानी कि कमांडर था सेना के अंदर, जो सेनापति कह सकते हैं पुष्यमित्र, उसने क्या किया, जो पुष्यमित्र सुंग था, उसने क्या किया, जो अशोक के बाद के जो बाद में उत्तराधिकारी बने, उनका ये एक सेनापति था, उसने राजा को मारा, जो वैरदत्त हो सकता है शायद, तो वैरदत्त को मारा, उसने क्या किया, अपने राज्य की सुंग वंश की स्थापना कर ली। अब है संगम युग। अब हम संगम युग के बारे में देखेंगे। 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक संगम युग से दक्षिणी भारत में एक ऐतिहासिक दौर की शुरुआत हुई। संगम का अर्थ था विद्वानों और साहित्यकारों का जमा होना। मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में ऐतिहासिक हस्तियों का जमावड़ा हुआ, जो संगम के नाम से जाना गया। मोटे तौर पर संगम युग 300 ईस्वी तक फैला है। संगम साहित्य में प्राथमिक रूप से पांड्य राजाओं की चर्चा है, लेकिन इसमें चोल और चेर राजा शासक भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। तो इसमें चोल और चेर शासकों के बारे में भी बात मिलती है, उनकी जानकारी मिलती है, साथ में पांड्य राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है कुषाण युग। तो संगम के बाद में कौन सा युग आया, कुषाण युग। जब कुषाण राजाओं का शासन था तो कुषाण युग कहलाया। कुषाण मध्य एशिया के युए कबीले की एक शाखा थे। कुषाण का पहला शासक कुजुला कदफिसित था। उसके बाद वीमा
कदफिसिस आया, विमा के बाद कनिष्क राजा आया, तो राजा बना तो कनिष्क के तो नाम आपने सुनना होगा, कनिष्क राजा बना। कुषाण वंश का महात्म राजा कनिष्क था, तो कुषाण वंश का महात्म यानी सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, तो आप लिख सकते हो कनिष्क। कनिष्क एक पक्का बौद्ध था, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और अन्य देशों में फैला। वह कला और शिक्षा का महान संरक्षक था। पुरुषपुर या पेशावर उसकी राजधानी थी। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम महान राजा था। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था, वासुदेव। उसके मरते ही कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। अगला है गुप्तकाल। अब कुषाणों के बाद में क्या आया, गुप्तकाल आया। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी चौथी शताब्दी से गुप्त वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत गुप्त राजाओं को रेखांकित करती है। चीनी यात्री फायांग के अनुसार इस काल में बहुत खुशहाली थी। महाराजा श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताया जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे बताया जाता है, श्री गुप्त को। चंद्रगुप्त था, सॉरी, महाराजा श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताया जाता है। चंद्रगुप्त था जिसने महाराजाधिराज की पदवी अपनाई। वे पहला प्रसिद्ध गुप्त राजा था। अब पूछा जाए पहला प्रसिद्ध गुप्त राजा कौन था, तो है चंद्रगुप्त। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, पदवी किसने धारण की, तो उसने चंद्रगुप्त ने धारण की। उसका बेटा और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो 335 से 380 ईस्वी बड़ा पराक्रमी था। वे एक महान विजेता और शासक होने के साथ ही समुद्रगुप्त विद्वान और उच्च स्तर का कवि, कला और विधा का संरक्षण तथा संगीतज्ञ था। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। अब समुद्रगुप्त का बेटा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है, चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो प्रश्न बनता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की, तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा कुमारगुप्त बना। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कौन था, कुमारगुप्त। तो आपको ऐसे याद रखना है चंद्रगुप्त का जो प्रथम था, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और उसका पुत्र कौन था, कुमारगुप्त। उसके शासनकाल में शांति खुशहाली थी। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में क्या थे, शांति खुशहाली। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा स्कंदगुप्त बना। अब कुमारगुप्त का बेटा कौन, स्कंदगुप्त बना। उसने कई बार हुन आक्रमण विफल किए। तो हुनों का आक्रमण, जो हुन एक जाति थी, उसका आक्रमण किसके समय हुआ, स्कंदगुप्त के समय हुआ। तो स्कंदगुप्त ने कई बार हुनों को जो है उनके आक्रमण को विफल किया, उनको हराया। उसके बाद धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त काल के दौरान राजतंत्र प्रशासन की प्रमुख प्रणाली थी। गुप्तों के पास शक्तिशाली सेना थी, प्रांतों का प्रशासन गवर्नर करते थे। गुप्त राजाओं ने न्यायिक और राजस्व प्रशासन की एक प्रभावशाली प्रणाली भी विकसित की थी। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला है गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त के बाद का समय, गुप्त राजाओं के बाद का समय। गुप्त साम्राज्य का पतन और थानेश्वर के महान हर्षवर्धन के उदय के बीच के काल को भ्रम और विखंडन का दौर माना जाता है। इस समय भारत अनेक छोटे राज्यों में विखंडित हो गया था। उस समय पुलकेशिन दूसरा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बना। हर्षवर्धन ने फिर से साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। वह सकलोचर पथनाथ कहलाता था, क्योंकि उसने समूचे उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। किसने, हर्षवर्धन ने। इस काल में भारत की राजनीतिक एकता कुछ हद तक बहाल हुई। हर्ष ने कादंबरी और हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट के संरक्षण दिया। तो हर्ष ने क्या किया, कादंबरी और हर्ष चरित्र का जो लेखक है कौन है, बाण भट्ट। ये महान कवि था जो हर्षवर्धन के काल में उनके दरबार में था। चीनी यात्री हेंगसांग ने अपने शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो चीनी यात्री हेंगसांग ने हर्षवर्धन के काल में जो है भारत की यात्रा की। इतिहास के इस काल में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म ने दृढ़ता पाई। वैष्णव शैव और जैन मत का भी प्रचलन था। अगला है भारतीय सभ्यता एक नज़र में। विश्व के इतिहास में भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जगह है। प्रारंभिक यूनान और रोम की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक और गणराज्य शासन प्रणाली रही है। गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु क्रम और चिकित्सा में भारत का उल्लेखनीय योगदान है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। चरक और सुश्रुत महान चिकित्सक थे। नागार्जुन सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। शून्य और दशमलव की प्रणाली भी संकल्पनाएं पहले भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारतीयों ने कला, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में जबरदस्त महारत दिखाई। प्राचीन भारतीयों ने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी जैसे ज्ञान के केंद्र थे, जहाँ भारतीय विदेशी छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारत में साहित्य की अनेक महान कृतियाँ सृजित की गई। त्रिग्वेद हिंदू यूरोपीय साहित्य की प्राचीनतम वानगी है। वेद, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति, त्रिपिटक, जैन आगम और अन्य धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत में सृजित हुए।
तो देखो ये सारे ग्रंथ है जो प्राचीन भारत में सज्जित हुए कालिदास, बाण भट्ट सेन, विशाख दत्त, भास और शूद्रक जैसे महान साहित्यकार हस्तियाँ इसी काल की है। संस्कृत पाली प्राकृत साहित्य ने प्राचीन भारत में जबरदस्त प्रगति की। तो ये था आपका लेसन, ठीक है। तो अब इस लेसन के कुछ प्रश्न दे रखे, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा भगवान बुद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया, तो उसने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। रोम किस नदी के तट पर है, तो रोम टाइबर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो ये टाइबर नदी के टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, ठीक है, तांबे और कांसे का प्रयोग, तो उसने काशीयुगीन सभ्यता यानी कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग उसने किया था। उन नदियों के नाम बताया जिनके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई, तो अपने पढ़ा था दजला और फरात नदी। तांबे और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित पर संस्कृति को क्या, कौन सी संस्कृति थी, तो काशीयुगीन संस्कृति कहलाती थी, ताम्रपाषाण संस्कृति कहलाती थी। मिस्र की लिपि को क्या कहते थे, हमने पढ़ा मिस्र की लिपि तो चित्राक्षर लिपि, कीलाक्षर लिपि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो आपको इस लेसन में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो और वहां से देख के इसके आंसर दे सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं, पाठों के अंदर भी आपने प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर भी पाठ के अंदर ही दे रखे होते हैं, लघु जो पाठागत प्रश्न होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में जो पाठों के अंत में प्रश्न दे रखे होते हैं उसके प्रश्न आपको ढूंढना होता है, तो वहां से आप अपने पाठ्य पुस्तक से तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो को एक दो बार और देखोगे तो आपको इन पाठों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो अधिकतर बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें SSTP पढ़ाई जाए, सामाजिक हमें कक्षा 10 की पढ़ाई जाए, तो मैंने स्टार्टिंग की है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हालांकि SST थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है ना, तो इतना ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और अपने पाठ्य पुस्तक से भी आप इसको बार बार पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।